है, गैंगरेप के आरोपी की हाईकोर्ट से जमानत कराने के लिए आरोपियों के साथियों ने नाबालिग पीड़िता को अगवा कर लिया और उसका धर्मांतरण करा दिया। आरोप है कि उसे जबरन मांस खिलाया गया और नमाज पढ़ना सिखाया गया। किडनैप किए जाने से आरोपी की जमानत तक करीब 4 महीने पीड़िता बंधक बनी रही और उसका यौन शोषण भी किया गया। ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए। पहले किया गैंगरेप, फिर कराया अपहरण, पीड़िता को अगवा कर कराया धर्मांतरण, बंधक बनाकर रेप करते रहे अपराधी, पीड़िता को मस्जिद में खिलाया गौमांस, मौलवी सिखाते थे कैसे पढ़ी जाए नमाज। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके की एक माँ बेटी एसएसपी नितिन तिवारी के दरबार में फरियाद करने पहुंची। नाबालिग पीड़िता ने बताया कि उसके साथ गैंगरेप हुआ था, जिसका एक आरोपी पिछले कुछ महीनों तक जेल में बंद था। हाईकोर्ट में आरोपी ने पक्ष में बयान दिलाने के लिए नवंबर 2018 में पीड़िता का उसके घर से अपहरण कर लिया, लेकिन पुलिस ने इस मामले को फर्जी मानते हुए केस दर्ज नहीं किया। करीब 4 महीने तक पीड़िता को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता का कहना है कि पुलिस ने बरामदगी के बाद भी न केस दर्ज किया न आरोपियों पर कार्रवाई की। किडनैपिंग के बाद पीड़िता का धर्मांतरण भी करा दिया गया, उसका नाम बदला गया और उसे मुस्लिम रीति रिवाज में जबरन धकेला गया। वहाँ ले जाकर पेश करा देती हूँ मुझे कि ये अपनी मर्जी सही है, इन्होंने जबरदस्ती कहलवाया मुझसे, मस्जिद में ले जाकर गोश्त खिलवाया, समर गार्डन में नमाज पढ़नी सिखाई, कुरान शरीफ पढ़ना सिखाया। इन्होंने खूब गंदी हरकत करी मेरे साथ, इलाहाबाद में भी खूब बदतमीजी करी साहब इन्होंने। फिर जब मेरी माँ ढूंढती रही, इन्होंने छोड़ दिया तो बड़ी मुश्किल से जान बचा गई जी साहब। पीड़िता पिछले आगे बढ़ते हैं।